और अब बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। दरअसल देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या अब 53 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 28 और दिल्ली में 6 लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केस मिले हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिलने के बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 53 पहुंच गई है। मुंबई में 7 और वसई विरार में 1 मरीज में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। महाराष्ट्र में अब तक 28 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। अब तक देश के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ कोरोना वायरस लगातार अपने वेरिएंट बदल रहा है, वहीं महाराष्ट्र में अभी भी करीब 87 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के मुताबिक बहुत सी मुस्लिम महिलाएं वैक्सीन से दूरी बना रही हैं। मुझे लगता है जो महिलाएं हैं उनका कहीं ना कहीं प्रतिशत कम है और संकोच नहीं, मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत कम है। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केस आने के बाद यहां ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 6 हो गई है। अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में जिस पहले मरीज में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला था वो पूरी तरह ठीक हो गया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि आपात हालात में वैक्सीन का असर कम हो सकता है। अब तक दुनिया के 77 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता जताई है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।